मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बता बल्लू, तो बल्लू शुरू होता मेरी एक टांग। अबे वो नहीं, एक्टिंग का पता, एक्टिंग का पता मेरी। बल्लू जी भाई बता जरा, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मूरत पर क्या हुआ बता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी हम कभी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कई ऐसे कलाकारों की बात आती है कि जो अपनी कला से, अपनी एक्टिंग से आपके दिल में एक ऐसी छाप छोड़ते हैं कि आपको उनके सारे किरदार याद रह जाते हैं। ऐसे ही कलाकार मेरे साथ हैं, जाने माने फिल्म एक्टर मुश्ताक खान। नमस्कार सर, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स वंस अगेन, पब्लिक डिमांड पर, है ना? ओके, तो ये जो आप हर किरदार में छाप छोड़ देते हो, ये जो छाप छोड़ने की आदत है, ये कैसे पड़ी सर? सब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी क्या है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो छाप छोड़ने की आदत है, ये थिएटर से मिली। क्योंकि मैं बचपन से, जब मैं क्लास सिक्स में था, आई स्टार्टेड एक्टिंग, और मैं छोटे छोटे मंच हुआ करते थे और मैं बस घुस जाता था मंच में। और मैं देखा करता था कि अगर मेरे को कुछ ऐसे करेक्टर मिलते हैं, कोई शराबी का है या किसी डॉक्टर का है या किसी बनिए का है या किसी वकील का है, तो मैं देखा करता था कि क्या कैसा करते हैं वो लोग, है ना, क्या उनकी मतलब एक्शंस होते हैं, उनके उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्या उनका स्टाइल होता है। तो वो सारा बहुत मैं ऑब्जर्व करता था। मेरा ख्याल है कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, टू एडॉप्ट सम करेक्टर, कि भाई ये करेक्टर आपको मिला है तो अभी करेक्टर को कैसे करें। तो जैसे कि मुझे एक फिल्म मैंने किया था, अगर आपको याद हो, हमें रहे प्यार के। हमें रहे प्यार के में मेरा करेक्टर था मिश्रा जी का। अब वो करेक्टर दिया भट्ट साहब ने मुझे, उन्होंने कहा कि भाई ये इसको करना है, आप क्या करना है आप देखो कैसे करते हो आप। अब हमने आपको ये बता दिया कि ये करेक्टर है जो बिहार का रहने वाला है। ओके, एक तो उन्होंने बिहारी बता दिया मुझे, और ये बता दिया कि उसने 4 साल जो है गारमेंट उसमें फैक्ट्री में काम किया है, और यहाँ अब इंडिया में आया है और वो एक फैक्ट्री ज्वाइन किया है जो आमिर खान की या जीजा की फैक्ट्री है, तो उसको ये पूरी फैक्ट्री को चलाना है, अब आप करेक्टर बनाइए अपना। तो मैं सोचता था यार इसको क्या करें क्या करें। एक तो मुझे ये मिल गया कि भैया बिहारी करेक्टर है, थोड़ी लैंग्वेज इसको बिहारी का अडॉप्ट कर लो, और उसके अलावा हमें क्या करें, मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो आप याद होंगे 6th स्टैंडर्ड की मैंने बात किया, मेरी 6th क्लास में जब मैं था, 6th, 7th, 8th, 3 साल तक मुझे एक टीचर पढ़ाते थे, उनका नाम अनर्थे था। अनर्थे सर का क्या था, जो पढ़ाते थे ना वो, तो वो जो पैंट पहनते थे वो कभी बेल्ट नहीं लगाते थे। अच्छा। तो उनका बेल्ट जो पैंट जो है ना, जोर से बोले सर आप देख लेना, अगर आप पैंट में अगर बेल्ट नहीं लगाते हैं तो पैंट थोड़ा नीचे जाएगा, जाएगा। फिर आप उसको ऊपर करते हैं, चांद लगा तो ठीक हो जाता है, फिर थोड़ा आपने जोर से बोला कुछ किया तो वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो उनकी आदत ऐसी बन गई थी ये। तो आपने देखा होगा कि हमें प्यार के में मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही रहता, राइट राइट, मैं अपने पैंट को संभाले हुए, मतलब ये कि वो हम कई बार हम उनको सर आप कई लोगों को बोल रहे सर एक बेल्ट तो बांध लीजिए, लेकिन वो नहीं ठीक है जो है सब ठीक है बेटा, क्या है, अब तो आदत पड़ गई, अब तो हमारा हाथ ही बेल्ट बन गया। तो मैंने वो वहाँ से लिया और वो ये एक था, कैसी बात करते हैं, 4 बच्चों को 3 बच्चों कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह का जो एक वो बन गया। तो वो बड़ा लाइक किया। और वो क्या था कि ये जो बिहारी लैंग्वेज थी, ये 93 में ये फिल्म आई थी, 92-93 में, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी लैंग्वेज, उसमें चलती थी भोजपुरी में थोड़ा बहुत इधर उधर यूपी, बट बिहारी में ये हिंदी फिल्म में जो इतना वो नहीं आया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, तो वो स्टाइल बन गया था। तो वो करेक्टर जो आप बात कर रहे थे कि करेक्टर आप कैसे बनाते, तो मैं यही देखता था कि अब मुझे अगर कोई कैसा करेक्टर मिल गया, एक शराबी जैसे, अभी शराबी करेक्टर तो शराब पी करके, तो सर सबसे इजी एक्टिंग मालूम है क्या है, शराबी की होती है। अच्छा, किसी कोई भी शराबी बैठे बैठे आप जो है ना कुछ नहीं करते, चाय पी के भी आप शराबी की एक्टिंग करते, पानी पी के भी, कुछ भी नहीं पिया आपने तो आप शराबी की, इतनी ईजी है। बट लेकिन अगर आप उसी शराबी की एक्टिंग को अगर एक करेक्टराइजेशन दे दें आप, तो आपका ना करेक्टर निकल के आता है, एक अलग करेक्टर बनता है, सिर्फ लड़खड़ा के बोल देना ना। अब मैं आपको बता दूं, मेरे घर के सामने से एक शराबी शराब के ठेके में अड्डे में जाता था, वो जो शराब जब जाता था ना, था भैया सलाम, राम राम भैया, कैसे हो बापू, नहीं, वो जब वापस आता था तो लगा के होता, वो नहीं सर कि हंगामा कर रहा है, लोट रहा है, पोट रहा है, गिर रहा है, नो सर,
स्ट्रेट ऐसे होता था। नाश करने से पहले नाश के काबिल बनो, काट लो खुद का गला, काहे को काबिल बनो। हट हट निकाल हट, ऐसा करता था वो। चला चल हट, तू क्या बात करेगा मुझसे, शेर शायरी आ जाती तो पर्सनालिटी चेंज एकदम। एक से एक शेर वो बोलता था वो। क्या बात, तो जब वो मुझे कुछ नहीं था एकदम चुप पसीना था तो उसका अलग ही स्टाइल था। राइट, मैंने कहा यार ये भी है। पर ये काम आप लगातार मुश्ताक जी करते आ रहे हो। अभी भी आपकी जो फिल्म आई थी वेलकम अनीस जी की, उसमें मुझे बड़ी खास बात नोटिस की मैंने, आप एक ही लाइन बोल रहे हो लेकिन उसके साथ भी आपने इतना खेल किया कि वो सबको सुनने में मजा आया। वो बहुत रवि जी, इतना बड़ा फेमस हुआ है वो, मुझे उम्मीद नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैं दुबई गया था शूटिंग पे ना, तो दो चार दिन तो मैं घबरा गया और अनीस भाई को बोला, अनीस भाई क्या करवा रहे हो यार। क्या हुआ कि शुरू शुरू में सीन जो ऐसे हुए ना, जहाँ पर अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर है ना, ये लोग बैठे हुए हैं और आई एम जस्ट स्टैंडिंग, ऐसा आपने बोला, टांग टूटी हुई कर और खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, कुछ लाइन नहीं, कुछ डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने चौथे दिन अनीस भाई, अनीस भाई यार कुछ बोलना है, रात भर सो नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या हो गया, हो गया क्या, हो गया भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने भाई, क्या कोई तकलीफ है प्रोडक्शन की तरफ? मैंने अनीस साहब प्रोडक्शन की तरफ से कुछ मेरा आप नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बताओ तो। फिर मैंने कहा यार मनीष भाई मैं खड़ा हूँ तीन दिन से। अरे भाई मुझता यार, आप मेरे साथ पहली बार काम कर रहे क्या, अब आगे देखना ना, करेक्टर भाई सोचा है कुछ आपके लिए, आप बस टेंशन मत लो। हाँ तो मैं सो नहीं पा रहा, मैंने कहा नहीं, बोले तुम अभी जाके सो जाओ, टेंशन मत लो, बस अब देखना। तो ये एक राइटर का एक वो था भरोसा, समझे ना, देखो करेक्टर उसने बनाया सोचा होगा, लेकिन अब वो करेक्टर वो जब आएगा, जब वो लाइन बोलेगा तब बोलेगा, लेकिन अभी वो करेक्टर मुझे यहाँ भी चाहिए। राइट, अभी वो करेक्टर मुझे यहाँ भी चाहिए, वो खड़ा बिल्कुल इस्टेब्लिश करना उस करेक्टर को। राइट, मैंने कहा वो आप मुझे बताएं, अच्छा उन्होंने बताया नहीं था ये सब करेक्टर ऐसा है, लेकिन वो गजब का एस्टैब्लिश हुआ। क्या सर, क्योंकि वो बहुत देर खड़ा रहा करेक्टर, उसके बाद जब वो बोला था वो ऑडियंस को लगा अच्छा ये बात थी इसकी, ये इसको स्टोरी टेलिंग के लिए लगा। और एक जगह तो वो खुद हमेशा बोलता है बता बल्लू, और बल्लू शुरू हो जाता है, मेरी एक टांग रखी थी। तो ऐसे ही जब वो उसको एक्टिंग का शौक होता है, और वो नाना पाटेकर को बहुत वहाँ पे लोग ऐसी झूठी तारीफ करते हैं ना, जैसे गैंगस्टर की, क्या अरे कमाल किया, कमाल बहुत अच्छा है, तो बहुत खुश होता है नाना पाटेकर। तो अनिल कपूर वहाँ आता है तो उसको बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे ऐसा बता बल्लू, तो बल्लू शुरू हो जाता है मेरी एक्टिंग, अबे वो नहीं एक्टिंग का पता, एक्टिंग का पता मेरी। तो वो बड़ा अच्छा वेरिएशन था, अच्छा था, तो वो अच्छा लगा। बट यू नो दैट पूरी फिल्म ही कमाल थी, राइट, अच्छी फिल्म बनी थी। तो लेकिन क्या होता है सर, जब तक आपकी फिल्म अच्छी नहीं होती है, जब आपकी फिल्म हिट हो जाती है तो तभी लोग देखते हैं और तभी अप्रिशिएशन होता है। अदरवाइज मैंने ऐसी ऐसी फिल्में की हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, इससे अच्छे अच्छे रोल्स किए मैंने। बट वही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक वो एक फिल्म मैंने की थी 84 में, उसका नाम था अंजुमन, मुजफ्फर अली की फिल्म सर, वो क्या बताऊँ क्या रोल था मेरा, लेकिन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ मेरा टोटल कॉमेडी, द मैड आफ्टर शबाना आजमी, उसको ऐसे ऐसे पागल हो गया। और दैट टाइम आई प्लेड अ रोल ऑफ नवाब हु इज 50 इयर्स ओल्ड। क्या बात है, इन 1984 व्हेन आई वाज, आई थिंक कितना था, बहुत कम एज थी मेरी, 24-25 साल जो भी कह लो आप। राइट, राइट, मतलब आज से 36 साल पहले करीब। आई प्लेड नवाब ऑफ 50 इयर्स ओल्ड। सुपर, सब पान खा के गंदे किए थे और बिरयानी खा खा के मोटे हो गए थे वहाँ पे। आई स्टेड देयर बाय अबाउट 40 डेज। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। अभी और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? अभी तो खैर फिल्में तो मैंने बहुत सारी की हैं, बहुत सारी। एक नजमा जी के नहीं अभी याद दिलाया था, एक राम राज्य मैंने फिल्म की, तो उसमें बहुत अच्छा रोल है। अब एक एक से कैमियो भी किया मैंने, अभी जो फिल्म आ रही है बधाई दो। अच्छा, हाँ बधाई दो। और फिर अभी गदर पार्ट, गदर पार्ट शुरू। थैंक यू मुश्ताक जी, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से लोगों को हंसाते रहें, एंटरटेन करते रहें, और ये सिखाते रहें कि ऑब्जर्वेशन सही मायनों में क्या होता है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि शराबी की एक्टिंग करी तो जबान लड़खड़ा दी तो हो गया, वैसा नहीं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।